सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप बेस्ट कैमरा फोन अंडर 20,000। सो अगर आपका बजट 15,000 से 20,000 के अराउंड है और इस प्राइस रेंज में अपने लिए इस समय पर एक बेस्ट कैमरा फोन परचेज करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो 20,000 के नीचे काफी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमने काफी ज्यादा रिसर्च, रिव्यू और एनालाइज किया, तब जाकर हमें पता चला कि बस यही एक ऐसा स्मार्टफोन है जिनमें हमें प्राइस के अकॉर्डिंग रियली काफी अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। सो अगर आप एक कैमरा लवर हैं, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ज्यादा करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बनाते हो या फिर यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इन स्मार्टफोन में कैमरा परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन बाकी के फीचर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पावरफुल गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 120Hz रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, 7000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और अप टू 50W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस, नो डाउट फीचर्स आपको काफी अमेजिंग देखने को मिलेंगे इन स्मार्टफोन में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हमने आपको डिटेल में बताया है इन स्मार्टफोन के बारे में, तो वीडियो आपके काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन स्मार्टफोन के बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लेना। तो शुरू करते हैं गाइज Realme 8 Pro से। अब ये फोन उन यूजर्स के लिए है जिनको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप चाहिए या फिर 50 वाट का फास्ट चार्जर चाहिए, ऑल दो बाकी के फीचर्स भी काफी अच्छा देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं Realme 8 Pro में क्या क्या देखने को मिलता है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो पॉली कार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, प्लास्टिक का ही फ्रेम और प्लास्टिक का ही बैक दिया गया है, लेकिन डिजाइन कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यूनिक डिजाइन दिया गया है। काफ़ी स्लिम डिवाइस है, 8.1mm की थिकनेस है, 176g की वेट है, तो काफी लाइट वेट और हैंडी स्मार्टफोन है। बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि सैमसंग के तरफ से सेंसर आता है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और दो और सेंसर देखने को मिलेंगे 2 और 2 मेगापिक्सल के जो कि बूके इफेक्ट और माइक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। रियर कैमरे से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, स्लो मोशन, अल्ट्रा वाइड वीडियो, उसी के साथ नाइट मोड, HDR और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं रियर कैमरे में। और बैक कैमरा 20x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सोनी का IMX471 का सेंसर देखने को मिलता है, नाइट इमेज काफी अच्छा देखने को मिल जाती है इस सेंसर का, फ्रंट कैमरा में भी ब्यूटी मोड, HDR, AI पोर्ट्रेट मोड और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, 4G नेटवर्क के साथ आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ट ऑन Realme UI 2.0, 4500mAh की बैटरी दी गई है विथ 50W फास्ट चार्जर, तो 40 से 50 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी, तो काफी अमेजिंग बात हो जाती है। Snapdragon 720G का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, तो गेमिंग वगैरह में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अंततु स्कोर की बात करें तो 280,000 के आसपास देखने को मिली है, एड्रीनो 618 का GPU देखने को मिल जाता है, तो हर तरह की गेमिंग को आसानी से हैंडल कर लेगा। साथ में ये फोन हाईरिस एडियो सर्टिफाइड है, तो एडियो क्वालिटी भी काफी अच्छा देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 60Hz के साथ आता है और 120Hz तक का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, अप टू 600 nits तक की पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी आउटडोर सिचुएशन में। बाकी प्राइस की बात करें तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 17,999 रुपए पे करने होंगे। सो दोस्तों, अगर वीडियो में दिखाए गए फोन आपको अच्छा लगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस फोन को खरीद सकते हैं।